देखिए, दिल्ली में तो सबसे पहले मैं रात को ही आया हूँ। कुछ पर्सनल विभाग से जुड़ा हुआ काम था और पर्सनल भी कुछ काम था, वो काम के लिए मैं आया हूँ। और निश्चित तौर पे जब दिल्ली आते हैं तो बहुत सारे पॉलिटिकल इशू पे भी बातचीत होता है, लेकिन ये सब चीज़ें चुनाव से लेना देना उसमें कुछ नहीं है। हम लोगों ने बाकी विशेष बातें पे सब चीज़ पे हुआ है, बाकी ये सब चीज़ की बात को कुछ नहीं है। और आपने जहाँ तक बोछा में आपने कहा, तो ये तो पूरे बिहार को पता है कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वहाँ पे कैंडिडेट का नाम का घोषणा हो गया है। तो अभी हम यहाँ से पटना पहुँचेंगे और शाम 6 साढ़े 6 बजे मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा और जो भी हमारे पार्टी के तरफ से कैंडिडेट होगा उसका नाम का घोषणा किया जाएगा। संजय जायसवाल कह रहे हैं कि आपको समर्थन देना चाहिए बोचहा विधानसभा सीट पर, सामने देखिए। ठीक है, अभी देखिए, जब चीज़ें हैं वो सब चीज़ का जवाब आपको आराम से 7 बजे तक इंतजार कीजिए। सात नाराजगी दूर हो गई? अरे नाराजगी इसमें क्या है, सब पार्टी स्वतंत्र है अपने चुनाव लड़ने के लिए और जनता मालिक है। जनता के बीच में सब आदमी पहुंचना चाहिए और जनता के अपने अपने विजन बताना चाहिए, चीज़ें बताना चाहिए कि कौन क्या कर रहे हैं, कौन अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। चीज़ें है और जनता मालिक है, बोछा के जनता समझदार है, जनता समय सही समय पर सही निर्णय लेंगे। और रहा कि हमारी पार्टी है और हम लड़ेंगे। आपने कहा कि पॉलिटिकल इशूज पे भी चर्चा हुई है, किनसे आपकी मुलाकात हुई और क्या कोई मुलाकात नहीं हुआ अभी? आपने कहा कि पॉलिटिकल इश्यूज पे चर्चा हुई है। पॉलिटिकल चीजें देखिए, आप अभी देखिए, अभी हम यहाँ आए तो आप लोगों ने तो सवाल जवाब कर ही रहे ना, पॉलिटिकली कर रहे थे, इसी तरीके से बातचीत हो रहा है। इस चीज से हम डिनाई थोड़े कर सकते कि बातचीत नहीं हो रहा है, बातचीत तो हमेशा चलते रहेगा। यही चुनाव थोड़े है, 2024 में भी चुनाव होगा, उसके लिए भी चर्चा होगा। 24 में हो या पहले हो, चर्चा तो होना है। 2025 में बिहार में जो चुनाव होगा उसके लिए भी चर्चा होगा। तो चर्चा तो निरंतर जारी रहेगा चुनाव के समय में, और उसमें चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ के लोग जीतना है, हारना है, यही सब चलते रहेगा। संघर्ष वाला रास्ता चुना है। बॉम्बे के ऐशोराम की जिंदगी को छोड़कर अपने लोगों के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरा, वहाँ पे हमको धूप छांव थोड़े देखना है। उनके हक अधिकार के रक्षा के लिए लड़ाई लड़ते रहना है। तो कभी जीत होगा, कभी हार होगा, तो इस सब चीज़ से घबराना नहीं है। इंसान को हर चीज़ के लिए, परिस्थिति के लिए सामना करने के लिए रहना। अभी ये है कि इस चीज सब चीज़ों से हमें और हौसला बढ़ रहा है कि मजबूती से अपनी तैयारी हमेशा रखने हैं। ठीक है, अजय निषाद कह रहे हैं कि आपके लिए रास्ता बंद हो चुका है, एनडीए में गुंजाइश कुछ नहीं बची है, खासतौर से बोचहा में अगर आप अलग चुनाव मैदान में उतरते हैं जो भी होता है। भाई, हम कहीं पर रास्ता बना ही नहीं रहे तो रास्ता क्या बंद हो जाएगा? हमारी अपनी दुनिया है, हम अपनी दुनिया में जी रहे हैं, उनकी अपनी दुनिया है, वो अपनी दुनिया में जिए। ठीक है, वो मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद है, हमारे समाज के बेटा है, वो अपनी दुनिया में जिए, अपने क्षेत्र के जनता के लिए विकास का काम करे। हमारी दुनिया पूरे भारत है, आपने देखा कि किस तरीके से बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, वो जो उनको उचित लग रहा है वो करें। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, इस चीज़ की जानकारी नहीं है मुझे, और रहा कि हमारी जो सीट था वो मुसाफिर पासवान जी का ही चुनाव लड़े थे और जीते थे, और उनका सीट हम मानते थे कि उन्हीं का सीट है, उनके निधन पे खाली हुआ। और हमने मजबूती से हमने कहा कि मुसाफिर पासवान जी का सीट है तो हम उन परिवार के साथ हमेशा खड़ा हैं। अगर उस परिवार से अगर चुनाव लड़ना चाहेंगे तो 1% भी ना नहीं है, पहले से क्लियर है। हाँ, उनको स्वतंत्र है, अगर वो कहीं चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे तो फिर वो निर्णय उनको लेना है, और किसी और पार्टी में भी चुनाव लड़ना है तो उन्हीं को निर्णय लेना है। तो उस पर हम कोई दबाव नहीं देंगे। हमारा शुभकामना उन परिवार के साथ पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा, उस परिवार के साथ शुभकामना। बाकी वो चुनाव लड़ना है, जहाँ कि हम वहाँ पे मैदान में वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ना है, अपने लिए लड़ना है और अपने जीतने के लिए लड़ना है, और वहाँ पे मजबूती से वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, जीतेंगे, इस बात का भी हम आपको पुष्टि कर रहे हैं। और आप देख लीजिएगा, 16 तारीख को रिजल्ट होगा ना, उसमें आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे पार्टी कौन जीता है, वो मजबूती से जीत होगा। अगर आरजेडी अमर पासवान को प्रत्याशी बनाती है तो क्या आप समर्थन देंगे उनको? अगर का समय होगा तो उस समय हम जा रहे हैं ना पटना, तो आप पूछिएगा उसका जवाब। आप पटना हम पहुँच रहे हैं तो देख लीजिएगा।